मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वी वर टॉकिंग अबाउट मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। वी स्टडीड फोटोसिंथेसिस इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में आपने पढ़ा कि इसमें टू पिगमेंट सिस्टम का रोल होता है, एटीपी का फॉर्मेशन होता है, एनएडीपीएच2 का फॉर्मेशन होता है। तो आज हम वही टॉपिक पढ़ेंगे कि एटीपी का फॉर्मेशन लाइट रिएक्शन की ड्यूरेशन में कैसे होता है। दैट इज कॉल्ड फोटो फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन मीन्स फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी बाय यूजिंग लाइट एनर्जी। दैट इज कॉल्ड फोटो फॉस्फोराइलेशन। दिस प्रोसेस अकर्स इन क्लोरोप्लास्ट। दिस प्रोसेस डिस्क्राइब बाय ऑर्नन एटॉल। यहाँ पे एटॉल का मीनिंग है कि जो ऑर्नन के साथ में और भी साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस पर वर्क किया है, तो हम उनके लिए वर्ड, जब ग्रुप होता है कोई भी साइंटिस्ट का तो हम उनके लिए एटॉल वर्ड यूज़ करते हैं। बट मेन साइंटिस्ट कौन थे? ऑर्नन। इन्होंने 1954 में एक्सप्लेन किया अबाउट फोटो फॉस्फोराइलेशन। ही रिपोर्टेड दैट फोटो फॉस्फोराइलेशन इन क्लोरोप्लास्ट इज ऑफ टू टाइप्स, साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन एंड नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन। इन प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट पिगमेंट सिस्टम कि टू टाइप्स के पिगमेंट सिस्टम होते हैं जिनका रोल किस में होता है? लाइट रिएक्शन में। अब लाइट रिएक्शन का ही हम पार्ट पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर साइक्लिक जो फोटोफॉस्फोराइलेशन है इसमें पिगमेंट सिस्टम वन इन्वॉल्व होगा, वेयर एज नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में PS1 एंड PS2 बोथ आर पार्टिसिपेटेड। क्लियर? तो हम पहले डिटेल में पढ़ते हैं, व्हाट इज साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। यस, इन दिस पाथवे ओनली PS1 इज इन्वॉल्व। व्हाट इज PS1? इसके लिए आपको प्रीवियस वीडियो देखना होगा जिसमें PS1 और PS2 के बारे में बताया। यहाँ पे PS1 क्या है? पिगमेंट सिस्टम वन, विच इज मेड अप ऑफ 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरोफिल एंड एसेसरी पिगमेंट लाइक कैरोटीनॉइड्स। अब यहाँ पे PS1 है, इसमें रिएक्शन सेंटर होता है क्लोरोफिल ए ऑफ 700 वेवलेंथ का, यानी ये जो लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता है ये जो पिगमेंट, ये कहाँ तक कर सकता है? अप टू 700, यानी ये 700 से या तो मिनिमम और इक्वल। क्लियर? अब यहाँ पर लाइट एनर्जी इसने एब्जॉर्ब की थ्रू एंटीना मॉलिक्यूल्स, कि जो इसके अराउंड एंटीना मॉलिक्यूल्स से उन्होंने लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया। दे गेट एक्साइटेड एंड ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन टू रिएक्शन सेंटर। रिएक्शन सेंटर ऑल्सो गेट्स एक्साइटेड एंड रिलीज इलेक्ट्रॉन एंड इट गेट ऑक्सीडाइज। यहाँ पर जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जो एक्सेप्ट होगा फ्रॉम रिएक्शन सेंटर, दैट इज आयरन सल्फर प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। इसने रिसीव किया इलेक्ट्रॉन को और ये क्या हो गया? रिड्यूस हो गया। अब यहाँ से आयरन सल्फर प्रोटीन कॉम्प्लेक्स से जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर प्रेजेंट होता है वो होता है फेरिडॉक्सिन, और फेरिडॉक्सिन को हम FD से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये सब कहाँ प्रेजेंट होते हैं? इलेक्ट्रॉन कैरियर, दे आर प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में भी, ग्रेना में भी कहाँ पर? थाइलेकॉइड में। ठीक है, और कुछ जो है इसमें पिगमेंट स्ट्रोमा में भी प्रेजेंट होते हैं। तो जो साइक्लिक है ये दोनों में होता है, ग्रेना में भी एज वेल एज स्ट्रोमा में भी। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ रिएक्शन सेंटर से, इट इज रिसीव्ड बाय आयरन सल्फर प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। देन यहाँ से इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया फेरिडॉक्सिन को। अब फेरिडॉक्सिन गेट रिड्यूस्ड, ये इलेक्ट्रॉन देगा साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स को। साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स ऑल्सो फाउंड इन क्लोरोप्लास्ट। तो जो साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स में फर्स्ट हम लिखेंगे वो है साइटोक्रोम B6। क्लियर? साइटोक्रोम B6 से ये इलेक्ट्रॉन कहाँ ट्रांसफर होगा? साइटोक्रोम F। अब साइटोक्रोम F से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा प्लास्टोसाइनिन। प्लास्टोसाइनिन क्या है? ये भी एक कॉपर कंटेनिंग मॉलिक्यूल है जो एक इलेक्ट्रॉन कैरियर का काम कर रहा है। अब प्लास्टोसाइनिन से इलेक्ट्रॉन वापस कहाँ आ गया?
इस पिगमेंट सिस्टम में, यानी ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ ये वापस से, यस इट रिसीव्ड बैक टू रिएक्शन सेंटर, सो देयरफॉर इट इज कॉल्ड साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, यानी इलेक्ट्रॉन यहीं से ट्रांसफर हुआ और ये मूव करता हुआ, यानी डिफरेंट इलेक्ट्रॉन कैरियर से होता हुआ इट रिसीव्ड बैक टू रिएक्शन सेंटर। बट यहाँ पे इस प्रोसेस को इसलिए हम कहते हैं साइक्लिक। लेकिन एटीपी का फॉर्मेशन कहाँ हुआ, हमने देखा ना फॉस्फोराइलेशन हो रहा है, तो यहाँ पे एटीपी का फॉर्मेशन होता है बिटवीन साइटोक्रोम B6 एंड साइटोक्रोम F, ये होता है एडीपी से। एडीपी से किसका फॉर्मेशन हो गया, एटीपी। एडीपी के साथ में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिएक्ट करता है एंड इट मेक्स एटीपी। एटीपी की फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट, ये एक एनर्जी मॉलिक्यूल है जिसका यूज आगे होगा किसमें, कार्बोहाइड्रेट फॉर्मेशन में। तो साइक्लिक का मीनिंग क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है ये इट इज रिसीव्ड बैक टू फोटो सिस्टम, क्लियर, थ्रू इलेक्ट्रॉन कैरियर से मूव करता हुआ ये वापस आ जाता है। और एटीपी का फॉर्मेशन कहाँ होता है, साइटोक्रोम B6 और साइटोक्रोम F के बिटवीन, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन वापस आ गया। जो इलेक्ट्रॉन इसने दिया था, यानी ये ऑक्सीडाइज हो गया था, वापस से इलेक्ट्रॉन गेन करके रिड्यूस हो जाता है और अपनी जो ग्राउंड स्टेट में आ जाता है। अब ये वापस से किसी और लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करने के लिए रेडी है। अब इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, इसमें कुछ पॉइंट्स हैं कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में कौन सा पिगमेंट सिस्टम इन्वॉल्व है, PS1। सेकेंड, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है FES प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, FES प्रोटीन कॉम्प्लेक्स और फेरिडॉक्सिन, यहाँ पर ये कई बार फेरिडॉक्सिन भी डायरेक्ट एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी इसमें मेनली इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएगा, फेरिडॉक्सिन वाया FES और डायरेक्टली, यानी डायरेक्ट भी जा सकता है और थ्रू FES प्रोटीन कॉम्प्लेक्स से भी जा सकता है। सेकेंड, थर्ड बात आपको याद रखनी है कि इसमें एटीपी का ही फॉर्मेशन हो रहा है, NADPH2 का फॉर्मेशन नहीं हो रहा, यानी नो NADPH2 फॉर्मेशन हुआ इसमें, ना ही कोई फोटोलाइसिस हुआ, ना ही कोई वाटर का यूज़ हुआ, नो वाटर यूज इन दिस प्रोसेस, ठीक है। और इसमें वापस से ये, यानी ये इलेक्ट्रॉन रिटर्न बैक टू फोटो पिगमेंट सिस्टम 1, ठीक है स्टूडेंट। और व्हाट इज प्लास्टोसाइनिन, PC, प्लास्टोसाइनिन, प्लास्टोसाइनिन से होता हुआ ये वापस आता है। प्लास्टोसाइनिन क्या है, कॉपर कंटेनिंग मॉलिक्यूल, जो ब्लू कलर का कैरियर है, इलेक्ट्रॉन कैरियर है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं व्हाट इज नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। व्हाट इज नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन इन दिस ETS, ETS मीन्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इन दिस ETS PS1 एंड PS2 बोथ आर इन्वॉल्व, PS1 एंड PS2 बोथ आर इन्वॉल्व। इट अकर्स ओनली इन ग्रेना थाइलेकोइड, यानी ग्रेना की जो थाइलेकोइड जो इनर मेम्ब्रेन में ही ये प्रोसेस प्रोसीड होता है। और इसका नॉन साइक्लिक क्यों कहा है, व्हाई इज इट कॉल्ड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, बिकॉज इन दिस पाथवे द इलेक्ट्रॉन रिलीज फ्रॉम द फोटो सिस्टम इज नॉट रिसीव्ड बैक आफ्टर मूविंग थ्रू इलेक्ट्रॉन कैरियर। सी दिस इज फर्स्ट, इसमें क्या होगा, पिगमेंट सिस्टम होगा, दोनों का इन्वॉल्वमेंट, बट किस तरह से होगा, यस पिगमेंट सिस्टम, सेकेंड जिसमें रिएक्शन सेंटर क्या होता है, क्लोरोफिल ए, कौन सी रेंज का, 680, यानी 680 वेवलेंथ का ही ये लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता है। यहाँ पर जैसे ही लाइट पड़ी तो दे गेट एक्साइटेड, 680 से यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए और फर्स्ट जो यहाँ पर रिलीज हुआ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम रिएक्शन सेंटर, इट इज रिसीव्ड बाय फियोफाइटिन, इसको हम फियो लिख देते हैं, फियोफाइटिन। फियोफाइटिन क्या है, ये भी एक क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है विच एक्ट एज
इलेक्ट्रॉन कैरियर, और इसमें टेल एब्सेंट होती है, यानी हमने जो फाइटॉल इसमें टेल पड़ी थी, ये जो चेन होता है पोरफायरन हेड और फाइटॉल टेल जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर में होता है, इसमें टेल एब्सेंट है, और ये है सॉरी थियोफाइटिन में मैग्नीशियम एब्सेंट होता है, यानी क्लोरोफिल ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें क्या एब्सेंट है, मैग्नीशियम एब्सेंट है, हम ये कह सकते हैं, और वी चेक्ड इलेक्ट्रॉन कैरियर। यहाँ पे थियोफाइटिन जो है फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, थियोफाइटिन से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, प्लास्टो क्विनोन, पी क्यू मीन्स प्लास्टो क्विनोन। अब यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन सेम वही साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, फर्स्ट क्या था साइटोक्रोम B6, देन साइटोक्रोम F। अब साइटोक्रोम F से होता हुआ प्लास्टोसाइनिन, प्लास्टोसाइनिन इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देते हैं, यहाँ पे दूसरा पिगमेंट सिस्टम प्रेजेंट है PS1, जिसमें रिएक्शन सेंटर कौन सा है, क्लोरोफिल ऑफ 700 मॉलिक्यूल, यानी 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर सकता है ये सिस्टम, इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हो गया। अब ये रिड्यूस हो गया तो ये भी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा, और इससे इलेक्ट्रॉन कौन लेता था फर्स्ट, आयरन सल्फर प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, एज यू स्टडी जस्ट स्टडी इन साइक्लिक में, जैसे ही आपने पढ़ा है कि PS1 से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है, FeS प्रोटीन कॉम्प्लेक्स में, फिर फेरिडॉक्सिन में, और फेरिडॉक्सिन में यहाँ पर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है NADP रिडक्टेज एंजाइम, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है NADP। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस आपको याद रखना है कि जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है इसने रिलीज किया, तो इसके पास तो इलेक्ट्रॉन वापस नहीं आया, तो क्या ये हमेशा ऑक्सीडाइज स्टेज में रहेगा, नो, यहाँ पर अब ये यूज़ करेंगे वाटर मॉलिक्यूल। अब यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल का फोटोलाइसिस होगा, यानी ये वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट हो जाएगा, इसका लाइसिस हो जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीज एंड क्लोराइड आयन, मैग्नीज एंड क्लोराइड आयन मोस्ट इम्पोर्टेंट, मैग्नीज और क्लोराइड आयन जो है उनका रोल क्या होता है, वी विल से फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, यानी ये जो फोटोलाइसिस है ये मैग्नीज और क्लोरोफिल के एब्सेंस में हो ही नहीं सकता, प्लस लाइट ये चाहिए। तो यहाँ पर इसमें रिलीज होते हैं प्रोटॉन प्लस ऑक्सीजन इवॉल्व हुई है, क्या हुई है इसमें ऑक्सीजन इवॉल्व प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये तो कौन रिसीव कर लेता है, PS2, तो ये जो इसने इलेक्ट्रॉन दिए थे अपने, इसके पास वापस आ गए, तो ये अपनी ग्राउंड स्टेट में आ गया, ऑक्सीजन इवॉल्व हो गई एटमोसफेयर में, यानी फोटोसिंथेसिस में तो मेन यही है कि जो ऑटो इवॉल्व होती है वो कहाँ से हो रही है, वो H2O से बन रही थी, ये वो स्टेज है। तो ये क्या होता है 2H+, ये HN जो हैं ये ऐड होंगे इस NADP से, यहाँ पर ये HN है ये ऐड हो जाएंगे NADP से और क्या फॉर्म कर लेंगे NADPS2। ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिसीव करके किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, मेन NADPS2 का। कितने मॉलिक्यूल वाटर रिलीज होते हैं, 2H2O, तो कितना फॉर्मेशन होता है 2NADPS2O का। ठीक है, यहाँ पर अब देखिए साइक्लिक और नॉन साइक्लिक में क्या डिफरेंस था, साइक्लिक में जो इलेक्ट्रॉन जहाँ से ट्रांसफ़र हो रहा था इट रिसीव्ड बैक टू फोटोसिस्टम, वापस आ रहा था, बट इन दिस प्रोसेस इलेक्ट्रॉन एक पिगमेंट सिस्टम से होता हुआ दूसरे पिगमेंट सिस्टम में आ गया, और वहाँ से ये इलेक्ट्रॉन किसने रिसीव किया, NADP ने, और क्या रिसीव किया HIN, तो उस किसका फॉर्मेशन हो गया NADPS2। अब यहाँ पे मेन तो फोटोफॉस्फोराइलेशन है, तो ATP का भी फॉर्मेशन हुआ होगा, सिमिलरली साइटोक्रोम B6 और साइटोक्रोम F के बिटवीन ATP का फॉर्मेशन होगा, इसका फॉर्मेशन होगा ATP का। ठीक है, तो इस प्रोसेस में हमारे 2 आउटकम्स हैं, एक तो ATP का फॉर्मेशन और एक NADPS2, इन दोनों को हम असेमिलेटरी पावर भी कहते हैं, और सिंगल अलोन हम NADPS2 को रिड्यूसिंग पावर भी कहते हैं।
ठीक है। अब यहाँ पर ये जो प्लास्टोसाइनिन है, इट इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन PS2 एंड PS1। ये जो प्लास्टोसाइनिन है ये क्या है, दोनों को कनेक्ट कर रही है, तो इसे हम रेफर करते हैं PAC। प्लास्टोसाइनिन इज कंसिडर्ड एज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन PS1 एंड PS2। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है PS2 से, फियोफाइटिन और प्लास्टोक्विनोन। अब इसमें हम आउटकम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया कहाँ से, इलेक्ट्रॉन डोनर कौन है, मेनली यहाँ पर है वाटर। ठीक है, अगर वाटर नहीं होता तो ये पूरा प्रोसेस हो ही नहीं सकता था। तो इसके आउटकम्स देखते हैं कि क्या क्या हुआ इसमें, फॉर्मेशन ऑफ ATP, फॉर्मेशन ऑफ NADPH2, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, इसी में हुआ, साइक्लिक में नहीं हुआ था ना, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, और मेनली ऑक्सीजन इवॉल्व। ये फोर आउटकम्स आपको याद रखने हैं कि नॉन साइक्लिक में ये होता है। ये जो रिएक्शन है, अगर आप देखोगे इसकी शेप जेड शेप दिख रही है, यहाँ से अगर हम इसकी शेप देखें रिएक्शन की, तो इट लुक्स लाइक जेड शेप, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड जेड स्कीम। ये नेम दिया था हिल ने, इन्होंने लाइट रिएक्शन को अदर नेम भी दिया था हिल रिएक्शन, बिकॉज नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन लुक्स लाइक जेड, सो इट इज़ कॉल्ड जेड स्कीम। क्लियर स्टूडेंट? यहाँ पे फोटोलाइसिस ऑफ वाटर आपको मेनली याद रखना है। ये जो HN रिलीज हुए हैं, इट इज़ ऑब्टेन बाय NADP एंड फॉर्म NADPH2। NADPH2 और ATP का फॉर्मेशन नॉन साइक्लिक में होता है, ये NADPH2 का फॉर्मेशन साइक्लिक में नहीं हुआ था। अब हम देखते हैं डिफरेंस, इनके नेम भी आपको याद रखने हैं। PQ की फुल फॉर्म है प्लास्टोक्विनोन, प्लास्टो QUINONE क्विनोन। फियोफाइटिन क्लोरोफिल विदाउट मैग्नीशियम, साइटोक्रोम B6 साइटोक्रोम F वही पहले जैसा ही है, मैग्नीज़ो क्लोराइड आयन का रोल, फेरोडॉक्सिन। NADP की फुल फॉर्म क्या है, निकोटिनेमाइड एडिनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। ठीक है, अब हम देखते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक के बीच। साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में ओनली ATP फॉर्म, और नॉन साइक्लिक में ATP प्लस NADPH2 का फॉर्मेशन है। नो ऑक्सीजन इवॉल्व, ऑक्सीजन इवॉल्व, थर्ड डिफरेंस। नो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, इसमें फोटोलाइसिस ऑफ वाटर प्रेजेंट है इसमें। नो NADPH2, यहाँ पर NADPH2 का भी फॉर्मेशन हुआ है। इलेक्ट्रॉन रिसीव बैक, यानी जहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ है, इलेक्ट्रॉन वही वहाँ पर ट्रांसफर हो जाता है। देखिए ऐसे तो बहुत सारे डिफरेंस हैं। हम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कह सकते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या है, आयरन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, और यहाँ क्या था, फियोफाइटिन और प्लास्टोक्विनोन। देखिए ये था डिफरेंस स्टूडेंट, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक जो फोटोफॉस्फोराइलेशन है, इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे मिस बिल्कुल मत कीजिएगा। बोर्ड जो है RBSC बहुत बार ये क्वेश्चन पूछ चुकी है, और शायद इस बार भी आए, तो डोंट स्किप दिस टॉपिक। क्लियर? थैंक यू वेरी मच।